ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇਂਗੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ माया इस औरत नूं कह दे कि इस घरों चले जान नहीं तो मेरे दिमाग का पता नहीं है कि अज मेरे तो की हो जाना है प्लीज भेज इन्हां नूं इत्थों तुहानूं हक किन्ने दिता इस घर च वापस आउण दा रणवीर एक बार मेरी गल तां सुन लो प्लीज नहीं सुननी मैं तुहाडी कोई भी गल जो तुहानूं चाहिदा सी ओह तां तुहानूं मिल ही गया ना फिर की लैन आए हो तुसी इत्थे कोई हक नहीं है तुहाडा इस घर च आउण दा चल जाओ पर वीरे एक बार भाभी नूं घर दे अंदर ते आ लैण दो माया ओ जिथे ने ना बिल्कुल ठीक ने कोई हक नहीं उहनां दा इस घर च आउण दा रणवीर मैं इत्थे अपनी बच्ची देशप्रीत नूं मिलण आई हूं ते देशप्रीत नूं मिलण तों मैनूं कोई नहीं रोक सकदा मेरा हक क्यों उहनूं मिलना जिन्नी उह तुहाडी बच्ची है ना उन्नी मेरी भी है माया मैं उहदी ए तुहाडी गलतफहमी है देशो क्यों तुहाडी बच्ची है मेरी बच्ची है उह मेरी तुहाडा ना उहदे उत्ते कोई हक नहीं है पर मैं तुहानूं अपनी बच्ची दे नाल मिलण दी इजाजत नहीं दिंदा खबरदार देशो खबरदार जे एक कदम भी तुसी घर दे अंदर रखता चल जाओ तो कोई हक नहीं है तुहानू इस घर च आउण दा रणवीर इन्ने भी पत्थर दिल ना बनो मैं बेनती करती हूँ तुहाडे अग्गे हाथ जोड़ के प्लीज मैं एक बार देशप्रीत नूं लगता ना तुहाडे ब्याह तो बाद तुसी थोड़ा उच्चा सुनन लग गए तुहानू मेरी गल नहीं सुनाई देती मैं कहा ना नहीं नहीं दा मतलब है नहीं जाओ तो रणवीर एक बार मिल लैन दो ना मैं एक बार मिल के चले जाऊंगी रणवीर प्लीज जाओ रणवीर प्लीज एक बार मिल लैन दो प्लीज एक मौका दे दो रणवीर मैनूं अपने आप नूं साबित करन दा प्लीज नहीं देशो नहीं देना तुहानू मैं कोई भी होर मौका बहुत मौके देते तुहानू मैं अपनी लाइफ च पर तुसी ना कदे भी एक भी मौका नहीं सांभिया इस बार ना तुसी सिर्फ मेरा दिल नहीं दुखाया तुसी मेरी बच्ची का भी दिल तोड़िया हुण मैं तुहानू मेरी बच्ची का दिल नहीं दुखाण दूंगा चले जाओ तुसी इत्थों तुहाडा कोई हक नहीं इस घर च आउण दा देशो देशो प्लीज मेरी गल सुन लो देशो देशो प्लीज एक मिनट लिए मेरी गल सुन लो मैं करम तुहाडी कोई गल नहीं सुनना चाहती बेहतर होएगा कि तुसी मेरा रस्ता ना रोको देशो प्लीज देशो जानदा कि मेरी गलती है तुसी जो सजा देनी है मैं उहदे लई तैयार हां क्योंकि मैंने भी पता है कि मेरे तो बहुत बड़ी गलती हुई है शायद मैं माफी दे भी लायक नहीं तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो तुसी किसे माफी दे लायक नहीं जो तुसी कीता है ना मेरे नाल रब ना करे कि कोई दुश्मन नाल भी इदा करे सच्चा दोस्त यही क्या सी ना तुसी मैनू चंगी दोस्ती निभाई करम बहुत चंगी एक बारी भी नहीं ना सोचा मैं एक बीमार बंदे का इस्तेमाल कर रहे जो बेड ते पिया होया मतलब तुहाडे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कीता सी देशो मैं मजबूर सी मैं अपने भरा भाभी का दिल नहीं तोड़ सकता सीगा मैनू दरअसल पैसों की लोड़ सी क्योंकि जेडे पैसे भरा भाभी ने मेरी पढ़ाई के लिए दिते सीगे वो मेरे तो खर्च हो गए सीगे पैसों की लोड़ सी तो तुसीं मेरे कोलों मंगदे ना मैं खेड़ा मना कर देना सी एक बारी गल तां करके देख दे कि देशो मेरी ये मजबूरी है मैनू लोड़ है पर नहीं तुसीं झूठ बोलना सही समझे मैं वो देशो हाँ जो
अपना परिवार भी कुर्बान कर दे किसी हाड़ी मदद किदा ना कर दी एक बारी कह के तो देख दे मैनू तो यकीन नहीं हो रहा थोड़े ते कि तुसी ते अपने घरदिया तक नू झूठ बोलिया उन्होंने ये तक बोलिया कि मैं थोड़ी मंगेतर हाँ तुसी मेरे नाल व्याह करवाना चाहते थोड़ी जी भी शर्म नहीं आई थानू ये सब कर दे थोड़ी जी भी आई शर्म थोड़ा जो दिल करे तुसी कह सकते हो क्योंकि मैं शायद है ही इसे लायक पर तुसी भी समझन की कोशिश करो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा सेगा ते मेरी औकात नहीं सेगी कि मैं वो कर्जा वापिस कर सका ते मैं नहीं चाहता सेगा कि मेरे भरा ते भाभी दे सुपने टुटन जो उन्हें मेरे फ्यूचर दे लई देखे सेगे बच्चे वांगू पाले सी अपने ते मैं अपनी गलती सुधारन दे लई कर्जा लाण दे लई होर कई रास्ते लब्बे नहीं कर पाया नहीं हो पाया मैं कामयाब ते तुसी फिर इस सब चो बाहर निकलन लई तेरा फायदा चुके अरमान ने तुहाडा है ना कह सकदे हो तुसी अरमान दे कहने ते मैं तुहाडा पिछा कीता ते जदों मैं तुहाडा पिछा कर रहा सीगा तुहाडा एक्सीडेंट हो गया ते तुहाडी जान बचाण दी खातिर मैं तुहानू अपने घर ले आया वो अलग गल है कि अरमान ने होर पैसे दा लालच दित्ता सीगा मैनू पर मेरे दिमाग च उस टाइम सिर्फ कर्जा ते पैसा ते मेरे घर दे चलदे सीगे देशो मेरे कोल होर कोई रास्ता नहीं सी ये भी गल सच है कि जदों मैं तुहानू पहले दिन अपने घर लैके आया मैनू एहसास होया कि शायद तो मैं बहुत वड्डी गलती कर रहा तुहानू देख के तो इदां लग्या कि जे मैं सब करदा तो शायद एक अपने नाल नहीं तुहाडे नाल भी धोखा कर रहे परदेशु वो एक साल दे विच वो किहड़ा मंदिर वो किहड़ा गुरद्वारा नहीं जिथे जाके मैं तुहाडे ठीक होने की अरदास नहीं की मैं तुहानू अज भी उन्ना ही प्यार करदा देशु तो उन्नी ही रिस्पैक्ट करदा तुहाडी वो साल दे विच जिन्नी मैं तुहाडी देखभाल की ना देशु उहदे विच इन्ना कभी कुछ झूठ नहीं सीगा मैं चाहता तो कदों का माफ़ी मांग लैंदा पर समा हथों लंघ गया सीगा तुसी तां इह भी नहीं सोचा कि मैं इस झूठ नूं सुधारना सच दसदा पर नहीं तुसी झूठ ते झूठ बोलदे रहे थानू तां इह लगा होणा है ना कि देशो नूं किहड़ा सच दा पता लग रहा है इत्थों तक कि तुसी तां मेरे बच्चे दा भी इस्तेमाल कीता इह सब झूठ च मेरे बच्चे नूं बचाउण लई भी झूठ बोलिया ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ੋ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾਤੀ ਹੈ ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਖਰਮ ਝੂਠ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅਬ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ माफ करना नहीं करना तोड़े हाथ है पर फिर भी मैं यही कहूंगा हाथ जोड़ के प्लीज देशो माफ कर दो मैंने जे तुसी ये सब कुछ सिर्फ मेरे ना कीता हुंदा ना ते मैं तुहानू तुहाडी गलती लई माफ कर भी दिंदी पर तुसी मेरे तो मेरी बच्ची ते मेरा पति दूर कीता है ते इस गलती लई मैं तुहानू कदे माफ नहीं करांगी कदे भी नहीं ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਇਰੀਟੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
तू उस बारे कुछ भी नहीं बोलेगा? और केड़ी चीज है, मैंने तो कोई चीज देख नहीं रही। क्यों तेन दिस नहीं रहा कि मैं थे इंतजार कर रहा? इंतजार ही तो है जरा मेरे को सह नहीं होता, जिस करके मैं खेच चढ़ती इरिटेट होना। सारी उम्र मैं तेरी मम्मी का इंतजार तो करता रहा, तो आज भी मैं ही इंतजार कर रहा कि तेरी मम्मी कदों वापस आऊगी। तेनू पता पूरब की सब तो ज्यादा बंदे नू खिच कदों चढ़दी है? इंतजार, इंतजार पूरब। तेनू पता जद भी मैं कुछ चंगा करने की कोशिश करता ना, तेरी मम्मी उन्हें सिरे तो खारिज कर देती है। ये सब च ना मैं बहुत इरीटेट हो जाता, बहुत गुस्से च आ जाता, मेरे को बर्दाश्त ही नहीं होता। हाँ फिर इहदे च गलत की है? मम्मा ने सही तो किया जो किया। हाँ पुत, मैं मानता कि तेरी मम्मी बिल्कुल गलत नहीं हैगी, वो देशो इस टाइम जो भी कर रही है, जो भी सोच रही है, बिल्कुल सही सोच रही है। इनफैक्ट तुसी दोनों बिल्कुल ठीक कर रहे हो, जो कि तुसी दोनों जाने मेरे तो नाराज हो। पर पूरब बेटा घट्टो घट मैं एक मौका तो दे। भी इंसान हो गया, मेरे तो गलतियां तो सुधरूंगा मैं। पूरब तू ते तेरी मम्मी मेरा परिवार हो एक। बेटा देख, मैं तुहाडे दोनों वास्ते बदलना चाहना है, इहदे विच तेनू मेरी मदद करनी पएगी। पूरब तेरे बिना मैं तेरी मम्मी का दिल बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा, तेनू मेरी इस विच मदद करनी पएगी। पूरब तू चुप क्यों आ? कि तू नहीं चाहता कि मैं तेरी मम्मी नू सारे को खुशी दे सका? कि बेटा तू नहीं चाहता कि तेरी मम्मी नू हर वो खुशी मिले जिसकी वो हकदार है? पूरब बेटा तू चुप क्यों आ? प्लीज बोल ना, दस दस ना पूरब, एक बारी हां कह दे प्लीज बेटा। पूरब बेटा देख, बेटा रणवीर ने कभी भी तेनू अपने परिवार का हिस्सा हूँ नहीं बनाना, तो दूजे पासे मैं तेनू ते देशों नू अपने परिवार का हिस्सा बनाने वास्ते मरिया जा रहा। प्लीज प्लीज मैनू एक मौका दे, मैं तेनू ते तेरी मम्मी नू हर वो खुशी देने नू तैयार हाँ जिसके तुसी हकदार हो। प्लीज मेरी मदद कर। जे तुसी सच्ची मुच्ची विच मैनू ते मम्मी नू खुश रखना चाहते हो ना, तो तुसी मम्मी नू रणवीर अंकल दे घर च जाण च हेल्प करो, इसी च उन्हां दी खुशी है। तुहानू आई गल समझ? रणवीर ने पता नहीं की भरिया पाया मेरे मुंडे के दिमाग दे विच, मेरे सामने खड़के उदी तरीफा करता पिया। कोई गल नहीं, मैं ये जंग किसी भी हाल में जितूंगा, चाहे मैं कुछ भी करना पड़े। मैं अपने परिवार नू, अपने देशों नू, अपने बच्चे नू किते नहीं जान दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं ये जंग जित के ही रहूंगा। कितना दिया गल्ला कर रही माया, की मतलब है इस गल? वीरे मेरा मतलब यह है कि जे देशो भाभी दे जान नाल तुहानू इन्ना दर्द हो रहा है कि वह दर्द तुहाडे चेहरे तो साफ साफ झलक रहा है, तो तुसी फिर उन्होंने जान ही क्यों दिता, उन्होंने रोक क्यों नहीं लिया अपने को? माया देशो ने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की जो उन्होंने नजरअंदाज किया जा सके, उन्होंने दूजा विह करा लिया। फिर दूजा विह तो तुसी भी कराया सी वीरे, दूजे व्याह दी गल है ही नहीं, तुसी घट्टो घट एक बार देशो भाभी नू सुन ते लैंदे की कारण होया कि उन्हां नू ए सब कुछ करना पै गया। इतां दी भी की मजबूरी होगी माया कि उन्हां ने अरमान जहे इंसान नाल व्याह करा ले? बिल्कुल सही, यही ना मैं जानना चाहनी हूँ कि आहो जी की वजह बनी कि देशो भाभी ने
अरमान नाल ब्याह करा लिया। मेरे देखो आपा देशो भाभी नूं जानदे आ, वो बहुत ही समझदार औरत ने। फिर तुसी ये क्यों नहीं सोचते कि उन्होंने जे इन्ना वड्डा कदम चुकया है तो क्यों चुकया है? माया मैं मंदा कि देशो लाइफ च जो भी करते ने ना उहदे पिछे कोई ना कोई वजह हुंदी, पर अरमान नाल ब्याह करा लेना इहदे पिछे की वजह हो सकती है? इहो जे इंसान नाल ब्याह करा लेना जिन्हें कोई कसर नहीं छड्डी है साडी जिंदगियां बर्बाद करन च। मैं ना हमेशा तो ही देशो उत्ते विश्वास करदा है अपनी अखां बंद करके, पर देशो ना हमेशा तो ही अरमान कोल वापस जांदे रहे ते मैनू सुनन नू मिलदी है कोई नवी झूठी कहानी, पर बस हुण नहीं मैं सुननी कोई कहानी। बहुत दिल दुखा लिया देशो ने मेरा, उन्होंने मेरा दिल तोड़िया माया, ये कोई मजाक नहीं, पर बस हुण मैं उन्होंने मेरा या मेरे बच्चे का दिल नहीं दुखा दूंगा। फिर चाहे दुनिया इधर दी उधर क्यों ना हो जाए, देशो मेरे घर मेरे परिवार च कदे वापस नहीं आऊंगा। देशो तू कित्थे चल गई सी? कितने टाइम ना मैं तेरी वेट कर रहा सी, मैं तेरी फिक्र हो रही सी, कितना दिल घबरा रहा सी मेरा, तू कित्थे चल गई सी? मैनू नहीं लगता कि मैनू थानू कुछ भी दसन या पुछन दी लोड़ है कि मैं कित्थे चली हां ते कित्थे गई सी। क्यों दसन दी लोड़ क्यों नहीं? मेरा बिल्कुल हक बनता जानना कि मैं तेरा घर वाला हां ना कि तेरा दोस्त, तू मैनू क्यों नहीं दसेंगी? अरमान तुसी मेरे नाल ना व्याह कीता, मैनू खरीद नहीं लिया, जो इन्ना हक जमाओगे। देशवे तू किदां दी गल्लां कर रही है? आखिरकार मैं तेरा एक घर वाला हां, मैं तेरी फिक्र हुंदी आ, परवाह हुंदी आ, जे तेरे कोलों मैं ये सब नहीं पुछूंगा तो कौन पुछूगा भला? हुणे हुणे साडा व्याह होया, मेरा इन्ना तो हक बनता है ना तेरे ते। मैं तू गलत ना समझ, मैं तेनों रोक टोक नहीं रहा, तू मेरे वालों बाहर जा, जी सद के जा, कोई चक्कर वाली गल नहीं। मैंने तेरे ते पूरा भरोसा है कि तू मैनू कभी भी धोखा नहीं देंगी। हरमान मैं ना तुहानू चंगी तरह जानती, थोड़ी रग रग तो वाकिफ। नाले हाँ तुसी ना मेरे लिए थोड़ी जी भी उम्मीद नहीं छड़ी रणवीर को वापस जान दी, हुण मैं चाह के भी ना रणवीर को वापस नहीं जा सकती। ते तुसी मेरी एक गल कान खोल के सुनी, जे मैं रणवीर के घर वापस नहीं ना जा सकती तो मैं इस घर चो तुहाडे नाल भी नहीं रवांगी, चाहे फिर मैनू ओहदे लई ना कुछ भी करना पवे। ओ, यानी कि मैं गलत सी, मैं तो भूल ही गया सी कि जे मैं एक बार देशप्रीत नूं तेरे तो दूर कर सकता हाँ तो मैं दोबारा भी तो कर सकता है ना, कि मैं तेनूं पाण वास्ते कुछ भी कर सकता हाँ, कि मैं तेनूं पाण वास्ते देशो किसी भी हद तक जा सकता हाँ। मैं भी पता नहीं कैड़ियां गल्लां च पै गया, तू इन्नी गर्मी चो बाहरों आई हाँ, मेरा तो फर्ज बनता थोड़ी सेवा करना, मैं थोड़े वास्ते कुछ खाने लेके आवा? साडा हुणे हुणे व्याह होया वा, इन्नी तो सेवा करनी बनती है ना मेरी, इन्ना तो मेरा फर्ज बनता है, तू मैनूं दस तू की खाएंगी? मैनू कुछ नहीं चाहिए बस तुसी मैनू बख्श दो। वो बख्शन वाली कीड़ी गल करी जानी है, तू तू ना दो मिनट रुक, मैं बस सुने आया। अरमान स्पेशल सैंडविचेस ते जूस। मैनू कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं खाना। मैनू पता है, मैनू पता सी कि तू यही बोलेंगी, तू ये बिल्कुल नहीं खाएंगी क्योंकि ये सब मैं अपने हाथों नाल जो बनाया है ना, पर मैनू देशो समझ नहीं आ रहा कि तू एक चंगी माँ है ना। एक चंगी माँ कभी भी अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती। तू ये सब दे विच बिल्कुल भुल गई हाँ कि तेरा एक बच्चा पूरब भी है, क्योंकि तू सिर्फ इस टाइम ध्यान सिर्फ देशप्रीत दा रख रही है और किसी का नहीं। मैं मानदा कि तेरा मेरे ना बर्ताव ठीक नहीं हैगा, पर तू इदा का सेम बर्ताव बेचारे पूरब नाल तां ना कर, उहदा की कसूर है इहदे विच? तेरा सारा ध्यान देशप्रीत वाल ही है,
ये गल बिल्कुल गलत आ। फिर मेरे दिमाग या दिल च इदां दी कोई गल नहीं। मेरे दिल नूं पता है कि मैं पूरब नूं किन्ना प्यार करदी आ। मैनूं उहदी किन्नी फिकर है। अच्छा ठीक है, ते फिर एक सच तू मेरे मूहों भी सुन। जब तू बाहर गई सी ना अपने किसी काम दे विच, ते तेरा वड्डा बच्चा पूरब सवेर दा कुछ नहीं खादा देशों।